नक्सर में बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा धनराशि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। तमाम किसान यूनियनें इस मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। आज भी नक्सर तहसील में भारतीय किसान यूनियन क्रांति व अराजनीतिक से जुड़े किसानों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उनके द्वारा ज्ञापन देकर सरकार से जल्द इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग भी की गई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी, जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी भी मौजूद रहे। तो और किसान को तो यहाँ हरिद्वार जिले का किसान ऑक्सीजन पे है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह से भाई इस किसान की जान बचाओ, नहीं तो ये मरने की कगार पे है। कर्जे में इसका घर डूब गए, और जब सरकार ने मान लिया, मुआवजा दे दिया किसान को, तो किसान ने ये तो मान ही लिया कि किसान के पास कुछ नहीं रहा, इसलिए तो मुआवजा। और उधर ये बैंक के कर्मचारी किसान क्रेडिट कार्ड वाले, इन्होंने इनके वैसे चौका लगा रखा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।